What's up everyone? Welcome back to my channel. जिसने भी मेरे चैनल को पिछले 6 महीने या पिछले 7-8 महीने से देखा है उनको पता होगा कि जो रीसेंट हेयर ट्रीटमेंट मैंने कराई है वो है नैनोप्लास्टिया। और नैनोप्लास्टिया को आज हो चुके हैं पूरे 6 महीने। आज का वीडियो है उन 8 बातों के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया है नैनोप्लास्टिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। माय गॉड, मतलब 6 मंथ्स हो गए मेरे नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट को, पता ही नहीं चला यार मुझे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें मुझे लोग पूछ रहे थे कि कैसा है नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट, आपको कैसे लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि यार नहीं, मुझे और टाइम चाहिए ये चीज़ अच्छे से एनालाइज करने के लिए, तभी मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एनालाइज करने में। मैंने फिर भी एक वीडियो तुरंत बनाई थी, आई थिंक 1 मंथ बाद या 15 डेज बाद, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसपे मैंने एक ब्रीफ दिया था कि मुझे जो आइडिया हुआ था नैनोप्लास्टिया के बारे में। और मैं अपनी कॉफी के साथ बिल्कुल रेडी हूँ आपको बताने के लिए कि मैंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की नैनोप्लास्टिया के बारे में। अभी मैंने स्ट्रेटनर या कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया है बालों में कि जो एक्चुअल टेक्सचर है ना वो खराब हो रहा हो या ऑल्टर हो रहा हो। यू वुड से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करती हूँ। आप नैनोप्लास्टिया को और कैरेटिन को या सिस्टीन को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नैनोप्लास्टिया उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रेट हेयर चाहिए, कैरेटिन उन लोगों के लिए है जिनको कि स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए। खैर, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। तो बेसिकली आप अभी इतना समझ लो कि नैनोप्लास्टिया उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रेट हेयर चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कि स्ट्रेट हेयर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा रीबाउंडिंग होता है, स्ट्रेटनिंग होता है, स्मूदनिंग होता है। जब मैंने स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग कराई थी, मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि बालों का ना जो ओरिजिनल एक टेक्सचर होता है, मतलब बालों की कोई भी शेप इसलिए बरकरार होती है क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन होता है कैरेटिन नाम का। तो अगर आप उस प्रोटीन की लेयर को थोड़ा सा ऑल्टर कर दो, है ना, केमिकल के यूसेज से या हीट के यूसेज से, तो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं या उस पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं। तो नैनोप्लास्टिया के साथ भी यही है। तो जो नैनोप्लास्टिया है ये भी बालों को स्ट्रेट करता है, और इनमें से शायद ये इकलौता ट्रीटमेंट है नैनोप्लास्टिया जिसने मेरे बालों के एक्चुअल अंदर के टेक्सचर को खराब नहीं किया है। मतलब जैसे मैंने day 1 में मेरे बाल थे, हेल्दी थे, थिक थे, तो उसको इंटैक्ट रखा है, मेरे बालों की हेल्थ को इंटैक्ट रखा है नैनोप्लास्टिया ने। ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने स्मूदनिंग और स्ट्रेटनिंग कराई थी तो मेरे बालों की हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो गई थी। नाउ जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैंने ऑब्जर्व किया नैनोप्लास्टिया को लेके, वो ये कि स्प्लिट एंड्स इंक्रीज नहीं किए नैनोप्लास्टिया, जो कि काफी वियर्ड बात है यार। और मेरे बाल ऑलरेडी बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट झेल चुके हैं, तो काफी कमजोर थे जब मैंने नैनोप्लास्टिया करवाई थी, तो स्प्लिट एंड्स इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। बल्कि मेरे बाल तो प्री लाइटनिंग हो रखे हैं, कलर हो रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा कि इस ट्रीटमेंट की वजह से एक्स्ट्रा स्प्लिट एंड्स आए हो बालों में। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस किया इस ट्रीटमेंट का, वो ये कि हेयर शाइन अभी भी इंटैक्ट है। जनरली क्या होता है ना, जब मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी तो स्ट्रेटनिंग कराने के 1 महीने तक तो काफी ज्यादा शाइन आती थी मेरे बालों में, लेकिन उसके बाद से ना शाइन बिल्कुल चली गई थी। मतलब वो अजीब से ही रफ और ऐसे क्या मैट टाइप के बाल लगते थे, मैट इज द राइट वर्ड, और थोड़े खुरदुरे से लगते थे, आप समझ सकते हो राइट मैं क्या कह रही हूँ। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस की नैनोप्लास्टिया के बारे में, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी इस ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि बाल अभी भी स्ट्रेट हैं। मेरे जो नेचुरल बालों की हेयर टाइप है, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, और नहीं देखे आप नए हो मेरे चैनल पे ना तो पुराने वीडियोस जाके मेरे चेकआउट करो, मेरे जो नेचुरल बाल है ना वो वेवी हैं, वो स्ट्रेट नहीं है, और नैनोप्लास्टिया के बाद स्ट्रेट हो गए राइट विदाउट एनी डैमेज। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और जैसे day 1 में स्ट्रेट थे ना, जब मैं नई नैनोप्लास्टिया करा के आई थी तब जैसे स्ट्रेट थे, अभी भी वैसे ही स्ट्रेट हैं बाल, और पोकर स्ट्रेट नहीं है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप स्ट्रेटनिंग करा के आते हो ना तो आपके बाल पोकर स्ट्रेट हो जाते हैं। पोकर स्ट्रेट का मतलब, जैसे ये नीचे वाले बाल मेरे आज भी स्ट्रेटनिंग वाले हैं, तो अगर मैं इनको ऐसे करके खड़ा रखूंगी बालों को तो ये ऐसे सीधे ही रहेंगे, ठीक है, ये अभी टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे, ऐसे सीधे के सीधे हैं। दिस इज पोकर स्ट्रेट। देखो यहाँ से यहाँ तक अभी ग्रोथ आ गई है मेरी जो ओरिजिनल बालों की, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के जो मेरे बाल हैं ये नैनोप्लास्टिया वाले हैं। आप देखो इनमें कर्व है,
अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगी ना तो एक कर्व दिखेगा आपको, है ना, एक ऐसे बाउंस दिखेगा, तो दे आर नॉट फोकस्ड स्ट्रेट। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे अगर हम आए, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जो भरा रहता है, वो है हेयर फॉल। नैनोप्लास्टिया की वजह से मेरे बालों का झड़ना कम नहीं हुआ है और ज़्यादा भी नहीं हुआ है, तो बेसिकली नॉर्मल है हेयर फॉल मेरा, कांस्टेंट झड़ रहे हैं बाल, नॉर्मल जैसे झड़ते हैं। मैं मान ही नहीं सकती ऐसे कोई भी पर्सन होगा जो ये कहे कि उसके बाल 100% झड़ना बंद हो गए किसी हेयर ट्रीटमेंट की वजह से, वो झूठ होगा एक साफ साफ। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे, जो कि मेरा फेवरेट ऑब्जर्वेशन है। पता नहीं क्यों इस ऑब्जर्वेशन के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ लोग थोड़ा गुस्सा हो गए थे, लेकिन एनीवेज शैम्पू से रिलेटेड कि मुझे पार्लर में बोला गया था कि आप W2 प्रोफेशनल्स के शैम्पू यूज करो। मेरे फेवरेट शैम्पूस की एक लिस्ट है, ठीक है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू है नहीं, और वो मेरे मूड के ऊपर भी होता है कि जैसे इस सीजन में मुझे ये शैम्पू पसंद है, ये सीजन में मुझे ये शैम्पू पसंद है। तो मैंने बहुत तरह तरह के शैम्पू यूज किए अपने बालों के साथ, और आप देख सकते हैं 6 महीने हो गए फिर भी मेरे बालों में नैनोप्लास्टिया थोड़ा भी खराब नहीं हुआ है। कंडीशनर किसी दूसरे ब्रांड का, शैम्पू किसी दूसरे ब्रांड का, ऑयलिंग भी की है मैंने, ठीक है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ मेरे बालों का। तो इसका मतलब ये साफ है कि शैम्पूस कुछ भी आप यूज कर लो, बस अच्छे शैम्पू होने चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप W2 प्रोफेशनल्स के शैम्पू यूज कर रहे हो, एटलीस्ट 6 महीने बाद तक तो नहीं पड़ा। अब आगे पड़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, आई विल कीप यू पोस्टेड। जो 7th ऑब्जर्वेशन है ना, तो आई होप कि जिनके भी बाल वेवी है ना वो मुझसे कनेक्ट कर सकेंगे। थोड़े टाइम बाद न्यू बालों की जो ग्रोथ है वो होनी ही होनी है, आप उसको नहीं टाल सकते। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई हेट स्ट्रेटनिंग। लेकिन नैनोप्लास्टिया के बाद आप देखोगे कि मेरे बाल आए, ठीक है, ये ऊपर के बाल आप ध्यान से देखो, ये काफी ब्लेंडेबल है, ऐसे अलग से दिख नहीं रहा। तो आप अगर कोई हेयर स्टाइल कर दो या बालों को ऐसे पीछे ले लो तो वो ऐसे दिखेगा नहीं कि आपने कुछ अलग से यहाँ से हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत ब्लेंडेबल है। तो ये वाली चीज मुझे काफी अच्छी लगती है नैनोप्लास्टिया को लेके। नाउ कमिंग टू अवर लास्ट ऑब्जर्वेशन, मैं इसको ऑब्जर्वेशन नहीं कहूंगी, ये है एक इंट्यूशन जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मुझे नैनोप्लास्टिया 6 मंथ्स के बाद इतना अच्छा लगेगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिटरली। वो भी खासकर जो मेरा 1 महीने तक का एक्सपीरियंस था उसमें मेरे बाल काफी ऑयली हो रहे थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा नैनोप्लास्टिया। अब तक मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं अपने बालों को खोल के रखती हूँ, स्टाइल करती हूँ, जो मर्जी वो शैम्पू यूज करती हूँ। लेकिन अभी भी पूरा 100% मैंने अपना मन नहीं बनाया है, क्योंकि मैं 1 साल का वेट कर रही हूँ अभी भी जो फाइनल कंक्लूजन है उसमें आने के लिए। क्योंकि जो मेन चीज जो डिस्टिंग्विश करती है ना नैनोप्लास्टिया को स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग से, वो ये कि नैनोप्लास्टिया परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग का ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया था, नाउ आई डोंट नो। और जिस तरीके से एक पॉइंट के बाद कैरेटिन और सिस्टीन अपने आप आपके बालों से चला जाता है, वियर ऑफ हो जाता है, उस तरीके से नैनोप्लास्टिया भी वियर ऑफ हो जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन आई डोंट नो कि ये परमानेंट बालों को स्ट्रेट रखता है या 1 साल के बाद अपने आप वियर ऑफ हो जाता है, जो कि मैं और 6 महीने लूंगी ऑब्जर्व करने के लिए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जाना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर, बाय बाय। Intentionally trying to seduce me, torture.